उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पालतू कुत्ता इंटरनेट पर इन दिनों सेलिब्रिटीज की तरह छाया हुआ है। योगी आदित्यनाथ का काले रंग का लैब्राडोर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रही है। सूत्रों की माने तो ब्लैक लैब्राडोर का नाम कालू है और कहा जाता है कि आदित्यनाथ का बहुत ही प्रिय है। सूत्रों ने यह भी बताया कि जब भी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं तो वो खुश होकर उनके इर्द गिर्द कूदने लगता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की कालू के साथ चलने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद की गई हैं, जब आदित्यनाथ कालू को पनीर खिला रहे थे। गोरक्षा मंदिर के कार्यालय प्रभारी ने संवाददाताओं को ये भी खबर दी कि योगी आदित्यनाथ को खास तौर से कालू प्रिय है। उन्होंने बताया कि कालू को दिसंबर 2016 में गोरक्षा मंदिर लाया गया था और योगी आदित्यनाथ मार्च 2017 में 3 महीने बाद मुख्यमंत्री बने। योगी जी के पास पहले राजा बाबू नाम का एक कुत्ता था जिसकी मौत हो गई और वो उसके बाद काफी परेशान चल रहे थे। ये काला कुत्ता गोरक्षनाथ के एक भक्त ने उन्हें दिल्ली में भेंट किया था और कालू कुछ समय तक दिल्ली में ही रहा। इसके बाद उसे गोरखपुर लाया गया। मंदिर के दूसरे श्रद्धालुओं का मानना है कि कालू योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद भाग्यशाली है। वो मुख्यमंत्री बनने से पहले निजी तौर पर कालू की देखरेख करते थे और उसे खिलाते थे। ये भी बताया गया कि कालू शुद्ध रूप से शाकाहारी है और वो या तो दूध रोटी खाता है या मंदिर में बना खाना खाता है। योगी आदित्यनाथ की गैरहाजिरी में उनके सहयोगी हिमालय गिरी कालू की देखभाल करते हैं। कालू के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं जिससे मौसम के बदलाव से उसे कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री नियमित तौर पर गोरखपुर आते हैं और वो जब भी आते हैं कालू उनसे दौड़कर मिलता है। योगी आदित्यनाथ के मंदिर परिसर में रहने तक कालू पूरे समय उनके साथ रहता है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.